हेलो गाइस, आज हम टेंस के यूज कैसे करते हैं, यानी मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज पहले बताया है, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज सीखेंगे। टेंस के वीडियो तो सिंपल होते हैं, लेकिन इनका यूज कैसे करेंगे इन इंग्लिश, व्हेन यू आर यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, व्हेन यू आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आइए देखते हैं। ये मैंने यूज ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लिखा हुआ है। हेल्पिंग वर्ब इसमें जमा होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज करते हैं। लेकिन भाई जस्ट ये यूज रिपीट है, हिंदी में लिखा हुआ है समझने के लिए। देखने के समय चल रहे कार्य व इन दिनों चल रहे कार्य, मैंने इसी सेंटेंस में दो कार्यों का वर्णन किया है। एक तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम राइटिंग नाउ, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग मी, यानी देखने के समय जो काम चल रहा होता है उसको बताने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। कैसे करते हैं पहले इसको देखिए, देखने के समय। देखिए, प्रिंस इज स्टिल रीडिंग अ नॉवल, प्रिंस जो है अभी भी एक नॉवल पढ़ रहा है। अब इसके बाद आप स्टिल को छोड़ दीजिए, प्रिंस इज रीडिंग अ नॉवल नाउ, अब वह नॉवल पढ़ रहा है। दो नंबर, ये एक नंबर, तीन नंबर पे जो है एट दिस टाइम, प्रिंस इज रीडिंग अ नॉवल एट दिस टाइम, इस समय पढ़ रहा है, एट दिस मोमेंट इस क्षण पढ़ रहा है, एट प्रेजेंट इस समय पढ़ रहा है, दीज डेज। अब ये देखिए, ये पांच छह नंबर और ये सात नंबर, ये दोनों जो है ऐसे एक्शन को शो करेंगे जब सेंटेंस में दीज डेज हो, जब सेंटेंस में नाउ एंड डेज हो, तो उसको बताने के लिए, यानी वो अभी तुरंत तो नहीं काम चल रहा। जैसे अभी मैं आपको आई एम टीचिंग यू या आई एम गिविंग यू ए लेसन, मैं आपको लेसन दे रहा हूं अभी दे रहा हूं, लेकिन मैं इन दिनों एक नावल पढ़ रहा हूं, मैं आजकल एक महाभारत की बुक पढ़ रहा हूं, इन दिनों मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूं, ये जो है ये दीज डेज है, इन दिनों इसका मतलब, और नाउ ए डेज होता है आजकल। तो ये केवल दो, ये तो दो सेंटेंस में होते हैं, तो अभी तो नहीं चल रहा वो कार्य, लेकिन चल रहा है, उसको भी शो करने के लिए, ऐसे एक्शन को भी बताने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। देखिए, प्रिंस इज रीडिंग अ नॉवल दीज डेज, आज इन दिनों पढ़ रहा है, नाउ ए डेज आजकल पढ़ रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के दो यूज मैंने आपको इसी एक एग्जाम्पल में बताए। चलिए आगे दूसरा यूज, दूसरा यूज फॉर नियर फ्यूचर, ये नजदीक भविष्य के लिए, ये यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी मैंने आपको बताया रखा है पहले वाले वीडियो में, और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी होता है। देखिए, नजदीक निकट भविष्य के लिए, द यंग बॉयज आर कमिंग सून, जल्दी आ रहे हैं, यानी आने वाले भविष्य में, आर टुमारो कल आ रहे हैं, द फॉलोइंग डे अगले दिन आ रहे हैं, नेक्स्ट डे अगले दिन आ रहे हैं, नेक्स्ट मंडे हो अगले सोमवार को आ रहे हैं, नेक्स्ट मंथ अगले महीने आ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर अगले साल आ रहे हैं, या टुडे इवनिंग आज शाम को आ रहे हैं, दिस संडे इस रविवार को आ रहे हैं, दिस मंथ इस महीने में आ रहे हैं। इस प्रकार से निकट भविष्य को बताने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। दो ही यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के यूज। अब आइए इस तरह आइए प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। देखिए, हिंदी में लिखा हुआ मैंने अभी अभी पूर्ण हुए कार्य के लिए, बड़ा आसान है, और एक एग्जाम्पल में आपको क्लियर भी हो जाएगा। जैसे अभी अभी काम किया है, जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि हम पढ़ चुके हैं, हाँ वी हैव रेड, वी हैव रेड। अब देखिए एक सेंटेंस, देखिए मैं आपको एक एक सेंटेंस बताता हूं, ही हैड, अब केवल जस्ट को लेते हैं, ऑलरेडी को बाद में लेंगे, ही हैड जस्ट सोल्ड दिस सम, उसने अभी अभी ये सवाल को सोल्व किया है, ऑलरेडी पहले ही कर चुका है, सो फार अब तक वो इस सवाल को हल उसने कर लिया है, जस्ट नाउ अभी अभी किया है, यट अभी तक जो है कर लिया है, प्रेजेंटली अभी अभी किया है, रिसेंटली अभी अभी किया है, राइट नाउ अभी अभी किया है। यानी जब हम इन सब के मीनिंग देखते हैं, ये वो मैंने आपके सामने इसलिए लिखी हुई है
कि जो काम हम तुरंत में पूरा करते हैं उनको शो करने के लिए ही एडवर्ब आती है, यानी एडवर्ब आती है यानी यह टेंस आता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही उसी एडवर्ब को शो करता है जो अभी अभी काम पूरा हुआ है। तो ये हमने कुछ एडवर्ब मैंने आपको बताया, इनकी हिंदी बताई गई मैंने, एक अभी अभी, दो पहले की, ये तीन अभी तक, चार अभी अभी, पांच अभी तक, छह प्रेजेंटली अभी अभी, सात का भी अभी होता है और आठ का भी राइट नाउ अभी अभी होता है। इस प्रकार हमने कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज जो है मैंने आपको बताया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूं, अगले वीडियो में आपको जो बचे हुए जो टेंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो जहां तक मैंने आपको समझाया आप समझे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक्स अ लॉट।